अपराध के रास्ते ने हवालात तक पहुंचाया, लेकिन हवालात से मिली जिंदगी को सकारात्मक सोच ने नाम रोशन कर दिया। कोटा सेंट्रल जेल के कैदियों ने जेल में बदलाव की बायार बहाकर अपना खास म्यूजिक बैंड बनाया। कैदियों की बैंड अब टीम अलग अलग जगह जाकर परफॉर्म करती है और अपनी परफॉर्मेंस की तय फीस भी लेती है। सात सुरों से उठती सुरमई धुन, तबले पर हाथ की धमक, गिटार पर जुम्बिश अंगुलियां, कभी जुर्म की दुनिया में खौफ लिखती थी, वारदातों की दुनिया में इनकी दहशत चलती थी, लोग इनके नाम से खौफ खाते थे। लेकिन आज ये महफिलों की रौनक बने हुए हैं, लोग कान लगाकर इनके गाने सुन रहे हैं। जेल की चौहदी में अपने गुनाह की सजा काट रहे वो कैदी हैं जिनका लूट, डकैती, हत्या पेशा था, लेकिन जेल की सकारात्मक सोच ने इन्हें ऐसी राह पर ला दिया जिससे ये अपने हुनर को चमका रहे हैं। कैदियों ने खुद को बदलने की ठानी और कोटा सेंट्रल जेल के भीतर म्यूजिक बैंड टीम बना डाली। कोटा सेंट्रल जेल देश की पहली ऐसी जेल है जहां कैदियों की खुद की एक बैंड टीम है जो अलग अलग जगह जाकर परफॉर्म कर अपने परफॉर्मेंस की तय फीस भी लेती है। मैं अच्छा लग रहा है यहां, टेंशन से मुक्त है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन होती है लेकिन इसके जरिए अगर हमारा दिल बहल रहा है तो सब भाइयों को हम साथ लेके चल रहे हैं। संगीत ही सबको जोड़ने का मतलब होता है, संगीत का मतलब होता है संगति, हमारे साथ रहे, साथ लेके चल रहे हैं, इसके आगे क्या है। कोटा सेंट्रल जेल की ये म्यूजिक मास्टर टीम अलग अलग जगह जाकर अपनी परफॉर्मेंस देती है। फिलहाल ये टीम कोटा पुलिस को मोटिवेट करने का काम कर रही है, उन्हें तनाव से बाहर लाने का काम कर रही है और इसे लेकर एक विशेष आयोजन भी किया गया जिसमें अपने गीत संगीत की धुनों से पुलिस को मोटिवेट किया। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने खास पहल कर कैदियों की इस परफॉर्मेंस का आयोजन अपने पुलिस कर्मियों के बीच रखा। एक सामूहिक प्रयास किया गया कोटा जेल और राजस्थान पुलिस की कोटा ग्रामीण पुलिस इकाई के द्वारा। आज आपके सामने ये हमारे जेल से पधारे हुए बंदी लोग हैं जो कि पूरा ऑर्केस्ट्रा स्वयं संचालित करते हैं और आज हमारे पूरे जाब्ते के बीच में, जैसा आप देख रहे हैं, सारा जाब्ता यहाँ पुलिस लाइन परिसर में बैठा है, उनको ये अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं और एक ये कार्यक्रम हो रहा है। कोटा सेंट्रल जेल की जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल बताती हैं कि म्यूजिक टीम बनने के बाद सकारात्मक बदलाव इन सभी लोगों में आया है, इनसे जेल के दूसरे कैदियों को भी प्रेरणा मिल रही है। जो पुलिस वाले या हम सभी या कानून या प्रशासन जिन्होंने इनको अपनी गिरफ्त में लिया था कभी इनके दोषों के रूप में, वो आज इनकी इनके मनोरंजन के लिए काम आ रहा है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि जो अपराधी हैं वो हर समय अपराधी नहीं रहता, उसमें यदि चेंजेस किए जाएं तो संगीत एक विधा है, उसके रूप में ये अपना हुनर जो है आपके सामने प्रदर्शित करें, निश्चय ही अच्छे नागरिक बनकर समाज को अपनी सेवाएं देंगे। बहरहाल कोटा केंद्रीय कारागार के कैदियों की ये बैंड पार्टी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरकारी गैर सरकारी आयोजनों के साथ ही विवाह समारोह में भी बकायदा ये टीम अपनी प्रस्तुति देकर लोगों के दिल में उतर रही है। अहम बात ये है जो इस खास नवाचार के रास्ते से अपराध की दलदल में फंसे ये कैदी अपनी जिंदगी की एक नई दिशा हासिल करके न सिर्फ साथ ही कैदियों की बल्कि समाज तक भी एक अहम संदेश पहुंचा रहे हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के।